अजीम सल्तनत उस्मानिया के बानी और अजीम काई सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अर्तुगरुल गाजी जो कि दुनिया की तारीख के बेहतरीन जंगजुओं में से एक थे। अर्तुगरुल गाजी 1183 ईस्वी में काई कबीले में पैदा हुए। आपके वालिद सुलेमान शाह काई कबीले के अजीम सरदारों में से एक थे। आप एक शेर दिल और इंतहाई बहादुर थे और आपकी जहानत के सामने दुश्मन भी बेबस हो जाता था। 1227 में सुलेमान शाह की वफात के बाद अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सरदार मुकर्रर हुए। ये वही दौर था जिसमें अर्तुगरुल गाजी ने अपने जान साथियों के साथ सगोद की तरफ हिजरत की। काई कबीला दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पुराने वाले मकाम पर आबाद काई कबीले का तो नामो निशान भी मिट गया, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने काई के परचम को हमेशा जिंदा रखा। आप अपनी बहादुरी की बिना पर पूरी दुनिया में नाम बनाने लगे। आपका जिक्र सलजोक अम्पायर, रोमन अम्पायर और मंगोलिया अम्पायर में भी किया जाता था। अर्तुगरुल गाजी ने 1280 में सगोद में वफात पाई। आपकी वफात के मुतालिक तारीख दान लिखते हैं कि गुर्दों की बीमारी की वजह से अर्तुगरुल गाजी की मौत हुई, लेकिन वो आज भी हर दिल में जिंदा है।